Guys, it's Shehan, pop back to again with a new video, baby. So guys, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये 2020 में अपने पार्टनर को कौन सा ऐसा गिफ्ट देना चाहिए. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पांच बेस्ट गिफ्ट टिप्स दूंगा जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने में, एंड वो ज़िंदगी भर याद रखेगी कि हाँ मुझे कुछ यूनिक गिफ्ट मिला था जिससे कि आपको आपकी पार्टनर लाइफ टाइम नहीं भूलेगी. सो ये जो गिफ्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा ये ऐसे लोगों के लिए भी होने वाला है जो कि हाई रेंज अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि एक स्टूडेंट है. सो ये गिफ्ट ऐसे लोगों के लिए भी ये होने वाला है. सो अगर आप ये सब गिफ्ट अगर आप अपनी पार्टनर को देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी. सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ आपको मिस ना हो. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्टेड. तो सबसे पहली बात, आपकी अगर न्यू लाइफ पार्टनर है तो आपको ऐसा क्या देना चाहिए जिससे कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए. तो चलिए हम लोग बात करते हैं पांचवें नंबर की टिप्स से. तो वो है पहला कपल टी शर्ट. जी हाँ गाइस, अगर आप इस वैलेंटाइन अपनी पार्टनर को गिफ्ट करते हो तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा क्योंकि सेम टी शर्ट आप भी पहने रहोगे और आपका पार्टनर भी पहने रहेगा. तो इस वैलेंटाइन ऐसी टी शर्ट को परचेज कर लीजिए, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा और साथ ही अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो ये आप लोग दोनों ही इसको पहन सकते हो. बहुत ज़्यादा आप लोग खुश रहोगे, बहुत अच्छा फील करोगे और जब आप लोग एक साथ एक फ़ोटो क्लिक करोगे ना तो बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा आप दोनों को. तो अब बात करते हैं अगले गिफ्ट का, तो वो है फ़ोटो कप. जी हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ़ोटो कप एक ऐसा गिफ्ट है, अगर आप लोग इसको गिफ्ट करके देते हो अपने पार्टनर को तो ज़िंदगी भर याद रखेगा एंड वो मरते दम तक नहीं भूलेगा क्योंकि उसमें आप दोनों का कपल फोटो लगा होगा और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है गाइस. और ये आप लोगों को कोई भी अच्छी सी प्रिंट वाली शॉप से आप लोग करा सकते हो प्रिंट, उसके बाद में आप अपनी पार्टनर को दे सकते हो. सो अब बात करते हैं अगले गिफ्ट का, तो वो है पर्सनलाइज मैसेज इन बॉटल. तो गाइस आप लोग देख सकते हो बोतल दिख रहा है और इसके अंदर पेपर होता है छोटा छोटा, तो आप कुछ भी अपनी मन की बात लिखना चाहते हो या कुछ बात हो जो कि आप लोग अपनी पार्टनर को देकर उससे वो बात ज़िंदगी भर के लिए याद दिलाना चाहते हो तो ये भी बेस्ट गिफ्ट हो सकता है आप लोगों के लिए. एंड मुझे लगता है कि ये गिफ्ट किसी ने नहीं दिया होगा, तो ये गिफ्ट अपने पार्टनर को ज़रूर दो इस वैलेंटाइन. सो अब बात करते हैं अगले गिफ्ट के बारे में, तो वो है गाइस टू हाफ हार्ट. जी हाँ गाइस, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऐसा गिफ्ट है ना कि इसका आधा हार्ट आपके गले में रहेगा और आधा हार्ट जो है वो आपके पार्टनर के गले में रहेगा, जिससे कि बहुत अच्छा फीलिंग आएगी गाइस. आप दोनों गले में आधा आधा हार्ट पहनोगे एंड आपकी पार्टनर को भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाएगी और इसका ज़्यादा दाम भी नहीं है. सो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा. और अब बात करते हैं अगले गिफ्ट का और लास्ट गिफ्ट, तो वो है रिंग. जी हाँ गाइस, सही सुना आपने, रिंग एक ऐसा चीज़ है ना, दुनिया में आप कितने भी चीज़ दे दो ना मगर रिंग का बराबरी कोई नहीं कर सकता. रिंग एक ऐसा गिफ्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कहते हैं. इसको देने से आपका पार्टनर अपने आप को बहुत लक्की महसूस करता है कि हाँ यार उसकी लाइफ में भी आप हो. और आप लोग देखते होंगे कि एंगेजमेंट के टाइम भी रिंग पहनाया जाता है, तो आप भी इसी तरह अपने पार्टनर को अपना बना सकते हो लाइफ टाइम के लिए, उसे खुश रख सकते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी बना सकते हो. तो गाइस ये थी पांच चीज़ें जो कि आपको अपने पार्टनर को देनी चाहिए जिससे कि आप लोगों का रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हो सके. तो गाइस बस यही थी पांच चीज़ें जो कि मैंने तुम लोगों को बताया एंड उम्मीद करता हूँ गाइस तुम लोगों का ये कन्फ्यूज़न अब तो दूर हो गया होगा कि हाँ हमें कौन सा गिफ्ट देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए. और मेरे तरफ से भी तुम लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन्स डे.
और अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाले वीडियोस तुम लोगों को इसी तरह मिलती रहें। गाइस बस यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि तुम लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है एंड कितना आपकी पार्टनर खुश रही है। इसे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सभी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।